नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि TGT का एग्जाम नज़दीक आया हुआ है और ग्रुप सी के जो मेंस एग्जाम है वो भी जल्दी ही होने वाले हैं, तो उसी को देखते हुए हरियाणा सरकार की योजना बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस बार तो स्पेशल जो सिलेबस आया है उसमें मेंशन कर दिया कि स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। और ये पहले से भी आ रहे हैं एक दो पर्सन, तो हो सकता है इस बार दो तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाए, है ना। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैं बता दूं कि योजनाएं जो हैं आपको इस क्लास वीडियो के अंदर में 35 योजना तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में दी गई है वो वाली पढ़नी है, है ना। जो रनिंग में मतलब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2022 और 23 की जो आर्थिक सर्वेक्षण है रिपोर्ट आई है उसमें रनिंग में जो योजनाएं वो दी गई है, तो 35 योजनाएं तो ये। इसके अलावा आपको 35 अन्य योजना जो पुरानी चलती आ रही है, कुल मिलाकर अगर बात करूं तो इस वीडियो में 70 योजनाएं कवर होगी, ठीक है। और ये जो योजनाएं ये सभी के सभी अपनी बुक के अंदर भी दे रखी है, हरियाणा रणभूमि नाम से मार्केट में बुक अवेलेबल हो गई है। मात्र 80 रुपए की किताब आपको मार्केट में मिलेगी, 120 की ऑनलाइन। इसमें हरियाणा सरकार की योजनाएं, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, बजट, ईवीएस के अलावा यातायात नियम, और यातायात नियम के अलावा बात करूं आपदा प्रबंधन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दे रखी है भाई। छोटी सी बुक है, 72 पेज की, आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए, इसी किताब में से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक मतलब कौन कौन सी योजनाएं आपको याद करनी है। देखो, इस किताब के अंदर ये फैसिलिटी है भाई, अगर आप लेना चाहें ना तो आपदा प्रबंधन, यातायात नियम, पर्यावरण अध्ययन, हरियाणा की अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और बजट हो गया, और हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है इसके अंदर लगभग 35 योजना दे रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 तो याद होनी चाहिए, और लगभग 35 यहां पे याद करनी है आपको, तो लगभग 70 जो योजनाएं हैं वो भी इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए आप इसके अंदर खोल लेते हैं जहां से अपने को पढ़ना है। देखिए भाई, हरियाणा सरकार की योजनाएं जो है आपके 55 पेज पे दी गई है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वाली पढ़ते हैं पहले हम। 36, 37, 38 कितना आ गया, 47, ये लीजिए भाई आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए भी इसे अच्छे से देख लेना, पूरा का पूरा बाय डाटा, ठीक है। ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 है, इसके अंदर पिछले एक साल के अंदर जो योजनाओं में रनिंग में जो योजना है क्या क्या उसमें सरकार ने बेनिफिट दिया है वो चीज़ें दी गई है, और वही चीज़ें एग्जाम में आती है सीधी सीधी भाई। देखिए योजनाएं देखिए आप इसके अंदर, मैं आपको टिक कर देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लेना। अगर आप बुक परचेज नहीं कर सकते तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, है ना भाई, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ते योजना के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये योजना आप कवर कर लेना भाई, इसमें देख लीजिए कितने लोगों का खाता खोल दिया गया है। इसके अलावा और बात करूं मैं, चलिए आगे देखिए योजना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने, यहाँ पे आ जाइए भाई, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई यहाँ पर योजना है एक, अपने कौन सी ये वाली योजना, ब्याज राहत वाली और किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ये वाली योजनाएं आपको करनी, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से पढ़ते रहना, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा और आप देखोगे, इससे अच्छा खुद ही पढ़ लेना। चलिए आगे देखिए, इसके बाद में और कौन कौन सी योजना इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, और इसके अलावा अटल पेंशन योजना, कौन सी, अटल पेंशन योजना। चलिए तीन योजना ये हो गई, उसके बाद में आगे आ जाइए, इसके बाद में देखिए आपके सामने यहाँ पर ये लीजिए भाई, देखो मेरी पानी मेरा विरासत योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, भावांतर भरपाई योजना, 1/1/2018 को शुरू हुई थी ये, 1/1/2018, 21 फसलें हैं इसके अंदर जी, कितनी फसलें हैं, 21 फसलें शामिल की गई हैं, है ना। और मुख्यमंत्री बागवानी योजना, ये देखो ये भावांतर भरपाई योजना है और ये स्पेशल बागवानी के लिए है, ये 1 जनवरी 2021 को लॉन्च की गई है। तो इस तरह की जो डेट जो इंपॉर्टेंट होती है वो योजना पर डिपेंड करता है कि वो योजना में कितना
चर्चा में है, है ना, कितनी रनिंग में है, तो इन दोनों की डेट भी इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, भावांतर भरपाई योजना। लेकिन जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर भाई क्या दिया गया है, जो मुख्य मुख्य योजनाएं हैं उनकी क्या दी गई है, डेट जिनकी दी गई है उनकी तो करनी है, नहीं दे रखी उनकी नहीं करनी, वो स्किप कर देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में आ जाइए आगे, अगली योजनाएं देखिए। अब यहाँ पे देखिए, ये पेपर में ना जाने कितनी बार आ गया, पौधागिरी अभियान 2018-19, ठीक है। गूगल पे हम देखेंगे इस योजना के बारे में, तो भाई ये योजना जो है वो 15 जुलाई को तरु दिवस बनाया जाता है, वृक्ष दिवस 2018 को ये योजना शुरू हुई थी। क्या क्या लाभ है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा और चलिए और आगे, मधुमक्खी एक ये वाली कर लेना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद मिशन, ये भाई 2021-30 तक चलाया जा रहा है, ठीक है। आगे आ जाइए इसके बाद में लीजिए भाई। अब देखिए अटल भूजल योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने ग्राम पंचायतों को कवर किया गया अटल भूजल योजना में, कितने करोड़ रुपए इस पे राशि लगाई गई है। प्राण वायु देवता एवं हर्बल पार्क, ठीक है, तो हरियाणा में 61 हर्बल पार्क हो चुके हैं, ये भी एक योजना है। चलिए इसके बाद में आगे देखिए, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये आपको पता ही है 2001 में और ये स्टार्ट हुआ था मतलब, और सीटी में भी पेपर में आ लिया ये। चलिए आगे आ जाइए, इसके बाद में अन्य योजनाओं पे जो टिक करनी है आपको, लीजिए भाई इसमें और कोई योजना है, चलिए भाई अब योजना इसके अंदर किसान बाजार, हाँ देखिए भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मारा गांव जगमग गांव योजना 24 घंटे बिजली देने के लिए चलाई गई है, इतने गांव को कवर कर लिया गया है भाई, ठीक है। और ये योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी, याद रखना। और इसके साथ साथ में भाई और कौन सी, मसाला मंडी सिरसा में बनाई गई है, फूल मंडी गुरुग्राम में है। चलिए और देखिए योजना, अब यहाँ पे आ जाइए, मिड डे मील स्कीम, बहुत पुरानी स्कीम है मिड डे मील, ये आपकी भाई मिड डे मील जो स्कीम है 1995 में भारत में सबसे पहले तमिलनाडु राज्य ने लागू की थी, 1995 में तमिलनाडु ने, ठीक है इतनी बात। हरियाणा ने 15 अगस्त 2004 से इसे लागू किया था, ठीक है, कब है 15 अगस्त 2004 से मिड डे मील स्कूलों के अंदर, बात करें आप तो प्राइमरी लेवल तक किया गया था और प्राइमरी से ऊपर तक के लिए 2008 में किया गया था। भाई पूछा जाए मिड डे मील योजना कब शुरू हुई, हरियाणा में 2004 में, लेकिन प्राइमरी लेवल से अपर लेवल के लिए बात करें तो 2008 में शुरू हुई और भारत में 1995 में। भारत में कब शुरू हुई भाई, 1995 में सबसे पहले कौन से राज्य ने लागू की, तमिलनाडु राज्य ने लागू की। देखिए राष्ट्रीय पोषण माह, तो सितंबर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, ठीक है इतनी बात। चलिए इसके बाद में और योजनाओं पर नजर डालते हैं, लीजिए भाई इसके बाद में और योजना है क्या इसके अंदर, बिल्कुल मिलेगी, मिलेगी तो पढ़ेंगे। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो यहाँ पे देख लीजिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है 22 जनवरी 2015 को, अब की बार 12 जिले चयनित किए गए हैं इसके तहत भाई। और अगर बात करें हमें लिंगानुपात की, तो हरियाणा का जो शिशु लिंगानुपात है वो 830 था पहले और नवंबर 2022 तक 817 हो चुका है। नवंबर 2022 तक कितना हो चुका है, 917, तो 917 हो चुका है अभी और पहले 830 था भाई, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात, ये बात याद करनी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये भैया आप देख लीजिए पूरा का पूरा, इस योजना को पढ़ लेना, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना भाई, ठीक है। तो ये योजनाएं हैं कुछ जो आपको याद करनी है। चलिए और देखते हैं, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना, देखो 2015 में चलाई गई सरकार के द्वारा, कितना कितना इसमें क्या दिया जा रहा है वो देख लेना। स्वामित्व योजना जी, ये आपकी 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई, लाल डोरा मुक्त बनाने के लिए योजना है, इतने गांवों को कवर कर लिया गया है, ठीक है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी मिशन, वो तो आपको पता ही है, करनाल गुरुग्राम इनको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया, फरीदाबाद करनाल और गुरुग्राम, ठीक है। इसके अलावा और आ जाइए, दीन बंधु ग्राम उदय योजना, ठीक है इसको पढ़ लेना भाई। और इसके अलावा और आ जाइए, राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना 2018 में, दीन दयाल अंत्योदय योजना, ठीक है। और जगमग गांव, जगमग शहर, देखो जगमग गांव योजना थी 1 जुलाई, कितनी जुलाई को थी, 1 जुलाई 2015 को थी, मारा गांव जगमग गांव योजना, ये मारा गांव जगमग गांव योजना है भाई,
ठीक है, लेकिन ये कह रहा है शहर योजना, जगमग शहर योजना, तो ये 2021 के दौरान शुरू की गई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के डाटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सेम डिट्टो मैंने कहीं गूगल से नहीं उठाई, ये आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 का डाटा है जी, अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, मार्केट में से बुक ले लीजिए, ऑनलाइन मंगा लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए। चलिए और देखिए, इसके अलावा यहाँ पर आ जाइए, दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसमें 93 शहरी स्थानीय निकायों का सर्वे किया गया है, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना है, ये देख लीजिए आप कब शुरू हुई। इसके अलावा आगे चलिए और योजनाओं पर नज़र डालिए, लीजिए भाई, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 71,000 रुपये कर दिए गए हैं इसके अंदर, तो आने आने चांस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, मकान बनाने के लिए 80,000 रुपये दिए जा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, तो ये बच्चों के लिए, स्कूल के लिए 8,000 से लेकर 12,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। दिव्यांग पेंशन योजना, ये दिव्यांग पेंशन योजना 81-82 में शुरू हुई थी आपकी। इसके अलावा लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, 1 जनवरी 2006, आपको याद होगा पिछले CET में ये भी क्वेश्चन आया था, है ना, तो इस अपने PDF में से, यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में से, पिछली बार, पिछली 21-22 की जो रिपोर्ट थी उसमें भी ये योजना दी गई थी, और उसमें से 2 क्वेश्चन योजनाओं के आए थे, टोटल 3 योजनाओं के आए थे, जिनमें से 2 यहाँ से पुट किए गए थे, तो भाई यहीं से क्वेश्चन पुट होंगे, TGT वाले खास तौर पे ध्यान रखें। चलिए और देखिए, इसके अलावा बुढ़ापा सम्मान भत्ता योजना, ये आपकी 1 अप्रैल 1964 से शुरू हुई थी। आप कहोगे जी वो तो 87 में अपने किसने करी थी शुरू, अपने जो है ताऊ देवीलाल ने की थी, ताऊ देवीलाल ने इसका उदारीकरण किया था भाई, ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे, आज कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 के अनुसार 2750 रुपए कर दिए गए हैं इसके तहत, कितने रुपए, 2750, ठीक है। और शिक्षित युवा बचाओ आएगा, और बताओ और मानदेय योजना देख लेना थोड़ा भाई, ठीक है। चलिए इसके बाद में और क्या है इसके अंदर योजनाएं वगैरह, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से, यहां तक स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे, इसके बाद में ये कुछ पुरस्कार वगैरह आ गए, अब 41 पेज पे आ जाइए, जो मुख्य योजनाएं और बची है भाई, ठीक है, 41 पेज पे आइए, छोटा करके लेते हैं तो जल्दी आएगा। चलिए भाई 41 पेज पे, ये लो भाई आपका 41 पेज है, यहाँ से आ गया। अब ये योजना है मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, बाकी और जो बच गई वो यहाँ पे दी गई है, जैसे अपनी बेटी अपना धन योजना, 2 अक्टूबर 1994 को चलाई गई, गांधी जी का 135वां जन्मदिन था भाई, ठीक है, और इतने इतने पुरस्कार दिए इसमें, मतलब राशि दी जाती है। वंदे मातरम योजना, 9 फरवरी 2004 को ये योजना चलाई गई भाई, ठीक है, गर्भवती महिलाओं के लिए, ये 2-3 बातें याद करनी होती है, किसके लिए कब चलाई गई, ठीक है। आगे आ जाइए उसके बाद में, लाडली योजना, लाडली योजना आपकी है 20 अगस्त 2006 को, एक लाडली सामाजिक योजना है, वो 1 जनवरी 2006 वाली, दोनों में फ़र्क है भाई, ठीक है, दोनों में क्या है, फ़र्क है। इधर हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, तो हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2006 में, यानी 2 फरवरी 2006 को सिरसा और महेंद्रगढ़ को चुना गया था, जो कि टोटल अपने 200 जिले सेलेक्ट किए गए भारत के, उनमें से 100 घंटे जो है अपने 100 दिन का काम है ना, और 2008 में 1 अप्रैल 2008 में ये पूरे हरियाणा में लागू हुई, तो पेपर में आए कि भाई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा जो है, जिसका नाम बाद में 2009 में मनरेगा किया गया, नरेगा हरियाणा में कब लागू हुई, स्टार्टिंग में 2 जिलों में लागू हुई 2006 में, 2008 में सभी जिलों में लागू कर दी गई थी, ये कहानी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अनुसूचित जाति छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, चलिए और देखिए इन योजनाओं को सबको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आगे आ जाइए, इसके बाद में यहाँ से आ जाइए, देखो भी जननी सुरक्षा योजना, तो ये आपकी 2005 में शुरू हुई, गर्भवती महिलाओं के लिए ये भी रहेगी। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 में, ये वहाँ भी पढ़ लिया अपन 8 से 12। लाड, इसके बाद में यहाँ देखिए अपना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 1 अप्रैल 2013 को शुरू हुआ। स्वस्थ हरियाणा स्वस्थ भारत अभियान, ये 1 नवंबर 2014 को शुरू किया गया था,
ठीक है, हर घर हरियाली योजना ये अपने एक जुलाई 2015 को लागू की गई, वन विभाग के द्वारा ये लागू की गई है नर्सरी वगैरह पौधे वगैरह लगाने के लिए। ऑपरेशन मुस्कान योजना 1 जुलाई 2015 गुमशुदा बच्चों के लिए रहेगी। किन के लिए जी? गुमशुदा बच्चों के लिए। बस यही चीज़ें याद करनी है कि योजना किसके लिए है, कब चलाई गई, ठीक है, कब चलाई गई। वो बड़ी बड़ी योजना जो मैं टिक कर रहा हूँ इसके अंदर बुक में दे रखी है, मतलब जो कि बार बार एग्जाम में आने लायक है, है ना, और जो बड़ी योजनाएं हैं उनकी डेट याद करनी है। बाकी आप सीधा याद कर लीजिए कि योजना किसके लिए है, किसके लिए, ये तो होनी होनी चाहिए याद। और दूसरी बात, योजना कब शुरू हुई, चलिए इसके बाद में। और एक दो में राशि वगैरह है वो याद करनी है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 1 जनवरी 2006 को, दोनों में फर्क है ऊपर वाला, वो केवल लाडली योजना थी, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है। उसके बाद में मध्यान्ह भोजन योजना, मिड डे मील की बात करें तो ये 2004 रहेगा, अभी 15 अगस्त 2004 को, ठीक है, तो 15 अगस्त 2004 को मिड डे मील लॉन्च किया गया हरियाणा के अंदर। और प्राइमरी से अपर लेवल का पूछे तो 2008, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसके अंदर आप ठीक कर लेना। चलिए उसके बाद में आगे आ जाइए, अपने स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, ये भाई 6 जुलाई 2015 को चलाई गई, भिवानी जिले के सुई गांव को आदर्श गांव बनाया गया पहला, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और भाई एक नीचे और आ जाएगी विधायक वाली, ठीक है, तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में, ठीक है। जैसे हरियाणा के अंदर अगर आपसे पूछा जाए विधायक आदर्श ग्राम योजना, तो विधायक वाली आ जाए, एमएलए की तो 2015 याद कर लेना, क्योंकि देखिए आपको पता हरियाणा में अगर आपसे पूछा जाए सांसद ज्यादा है या एमएलए, तो हरियाणा में सांसद तो 10 लोकसभा 5 राज्यसभा 15 ही सांसद है, और एमएलए तो 90 है, तो भाई एमएलए ज्यादा है। तो पहले कौन सी योजना आएगी 2014 में, सांसद वाली आएगी, कम है तो 14 और बड़ा आंकड़ा है तो 15, भाई 90 एमएलए तो 15 में। ये चीजें इस तरह से आपको याद करनी पड़ेगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 को यह योजना चलाई गई, ठीक है, क्या दिया जा रहा है वो देख लेना। ई पेंशन योजना ये भी देख लेना, थोड़ा भाई डेट वगैरह ना याद हो लेकिन फिर भी वैसे थोड़ी नज़र से निकाल लेना। उसके बाद में आगे आ जाइए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 सीधा कर लेना भाई। और विधायक आदर्श, देखिए विधायक आदर्श ये आपकी 2015 में और सांसद वाली 2014 में थी। सीएम विंडो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 सितंबर भी याद करना पड़ेगा, 25 सितंबर को सुशासन दिवस बनाया जाता है, और 2014 में सरकार आई थी बीजेपी के हरियाणा में, तो सीएम विंडो योजना शुरू की गई। इसमें 30 दिन के अंदर अंदर क्या है जवाब मिलता है सीएम विंडो में। आगे देखिए ग्रामीण विकास तरुण योजना, तो भाई ग्रामीण विकास तरुण योजना है 12 जनवरी 2015 को जज्जर जिले में शुरू हुई थी, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यह लागू की गई। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे जो है उसी के तर्ज पर कुंडली मानेसर पलवल योजना, यह आपकी 24 अप्रैल यानी देखिए पंचायती राज दिवस का बनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, तो 2015 में यह शुरू हुई। मिशन इंद्रधनुष 7, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं 7, इसीलिए 7 अप्रैल से शुरू हुई 2015 से। और यह योजना किससे संबंधित रहेगी, बच्चों के टीकाकरण से संबंधित रहेगी, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को चलाई गई, अटल पेंशन योजना नरेंद्र मोदी के द्वारा यह योजना शुरू की गई हुई, ठीक है। चलिए यह उसी तर्ज पे रहेगी अटल पेंशन योजना, एक मिनट, ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। इसके बाद में और देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने पढ़ लिया, 12 जिले सेलेक्ट किए गए हैं। सुकन्या समृद्धि योजना दोनों एक साथ चली थी, दोनों योजनाएं एक साथ चली थी। हरियाणा कौशल विकास मिशन ये 14 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था भाई। बायोमेट्रिक प्रणाली 2015 याद कर लेना, इनकी भी 2015 याद कर लेना सीधा, कौशल विकास मिशन। चलिए इसके बाद में और योजनाओं पर आइए, नज़र डालिए। मारा गाँव जगमग गाँव योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी भाई, ठीक है। शिकायत निवारण योजना 2015 है, ई पंचायत योजना 2015 है, ठीक है, स्टाफ योजना 2015 है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है जहां पे ज्यादा ध्यान देना है, दीनदयाल उपाध्याय जो अपने आवास योजना है 2016 में है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है 2016 में है, इनको नॉर्मली पढ़ लेना, ठीक है। अब जहां पे मैं टिक करूं, 20 को पूरे को करना है ढंग से, उसको पूरे को करना है। देखिए
गो संरक्षण जो विधेयक है 2015 में वो 16 मार्च को लागू किया गया था, ठीक है, मतलब 16 मार्च को पेश किया गया था, इसके अंदर विधानसभा में पास किया गया और बाद में पूरे भारत में भी नवंबर, शायद 19 नवंबर होगा, 19 नवंबर 2015 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, पूरे भारत में भी लागू हुआ और ये सबसे पहले हरियाणा लागू करने वाला, हरियाणा पहला राज्य है भाई। महिला पुलिस थाने 29 अगस्त 2015 को खोले गए, ये भी याद करना। भावांतर भरपाई योजना, भावांतर भरपाई योजना की ये भी डेट दी जाती है लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1/1/2018 दी गई है और इसमें कुल 21 फसलें हैं भाई, ठीक है, पहले इसमें 19 थी, अब कितनी फसलें हैं, 21 इसके अंदर फसलें शामिल की गई है, ठीक है। चलिए उसके बाद में आगे आ जाइए, उधरवाड़ा सक्षम युवा योजना भी याद कर लेना, 2017 में शुरू की गई। चलिए इसके बाद में और देखिए, सक्षम युवा योजना हो गई, किसान मित्र योजना, देखिए आयुष्मान भारत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आती है, आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त 2018 को शुरू की गई और किसान मित्र योजना 2021 को, ये तो लास्ट में है ना भाई, अब 21 गया है, 12 मार्च 2021 को शुरू की गई है। मेरा फसल मेरा ब्योरा योजना 11 जनवरी 2021 को, ये भी इंपॉर्टेंट आती है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना नीचे पढ़ेंगे, इसके बाद में नीचे कर लेता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है भाई, आगे आ जाइए। इसके बाद में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, देखो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की डेट वगैरह नहीं करनी, सीधा कर लेना कि इसमें भाई टोटल 71,000 रुपये दिए जाते हैं, 66,000 रुपये शगुन के तौर पर और 5,000 रुपये जब बंदा पंजीकरण करवाएगा तब मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद में 7 स्टार योजना, 7 स्टार पंचायत योजना, इसमें स्टार दिए जाते हैं ग्राम पंचायत को, ठीक है। ओम प्रकाश धनखड़ ने गणतंत्र दिवस पर 2018 में इसे शुरू किया गया था, क्योंकि 2019 से पहले तो ओम प्रकाश धनखड़ ही पंचायत मंत्री थे भाई, ठीक है। अंत्योदय सरल योजना 2018 रहेगी। आगे चलिए इसके बाद में अन्य योजनाओं पर, हाँ एक योजना ये आती है अपनी पौधागिरी योजना, ठीक है, ये भाई 2018 रहेगा, ठीक है 2018 है, ये टाइपिंग मिस्टेक यहाँ रह गई, दो ही टाइपिंग मिस्टेक है पूरी में। पौधागिरी ग्रीन योजना 15 जुलाई 2018 को ये शुरू की गई। हरियाणा महिला और किशोरी समान भत्ता योजना 5 अगस्त 2020 को शुरू की गई, योजना के बारे में लाभ दिया गया है, ठीक है। अब कुछ अन्य योजनाएं, बस ये योजनाएं आपको क्या है याद करनी, इतनी योजनाएं कैसे याद होगी मास्टर जी, तेरे ही याद नहीं है, तू ही टिक कर रहा है। देखो भाई सीधी सी बात है, याद करने को तो मैं भी याद करके आपको पढ़ा देता लेकिन टाइम आपका बचेगा और ये जो तथ्य हैं आपने स्क्रीनशॉट, मेरा उद्देश्य केवल किताब बेचने का नहीं है, स्क्रीनशॉट भी लिए होंगे आपने और मैं साइड में हुआ हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। तो कुछ और अन्य जो बची हुई है उनमें तारीख वगैरह नहीं है, उनमें बस ये हरियाणा सरकार ने जो PDF जारी करी है, अभी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ये इंग्लिश वाला नाम दे देंगे, हिंदी में पूछ लेंगे इसका नाम है, तो इस टाइप की कुछ योजनाएं अन्य नीचे और बच गई है, ठीक है। इनमें कोई खास नहीं है, बस इनमें TGT वालों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि कई बार क्या है गहराई में आ जाता है, ठीक है। या HPSC लेवल की बात करें तो HPSC लेवल में इनके प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन सा लाभ नहीं दिया जा रहा है, वो चीज़ें थोड़ी है। बाकी मोटी मोटी योजनाएं भाई 35 एक योजना तो ये वाली और 35 एक योजना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वाली, तो ये मार्केट से बुक लेके भी पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 80-90 रुपये लगेंगे, ऑनलाइन 120 की अभी डिस्क्रिप्शन में जाके आप ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको भाई, देखिए ये बुक की आप फोटो देख पा रहे होंगे, अच्छा साथ के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये बुक ऑनलाइन आपको केवल क्या है 120 रुपये में मिल जाएगी, 120 रुपये में ऑनलाइन, और ऑफलाइन की अगर दुकान पे जाओगे 80-90 रुपये के बीच में मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी भाई, ठीक है, यहाँ पे भेजने का खर्च लगता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर जाइए और इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए। आपदा प्रबंधन पढ़िए, यातायात नियम पढ़िए, पर्यावरण अध्ययन के वन लाइनर क्वेश्चन पढ़िए और हरियाणा की अर्थव्यवस्था, जिसमें अगर बात करूँ बजट और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आएगी और नीचे अन्य योजनाएँ जो है इंपॉर्टेंट ये चीज़ें, बेहतर एक पेज की छोटी सी बुक है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपके इन सब में से आपदा प्रबंधन, पर्यावरण अध्ययन, यातायात नियम, अर्थव्यवस्था और योजनाएं, इनके अंदर अगर आपके लगा लीजिए 12 क्वेश्चन अगर पुट हो जाते हैं तो 12 में से 8-9 क्वेश्चन आराम से डिट्टो देखने को मिल जाएंगे भाई, ये नहीं कहता 12 के 12, 8 से 9 डिट्टो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज ही परचेज कीजिए हरियाणा रणभूमि, इसका स्क्रीनशॉट किसी भी दुकानदार से दिखा देना, बुक अवेलेबल है। धन्यवाद।